हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी स्कॉलर्स। आज हम लौटे हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टडी करेंगे पहाड़े। पहाड़े क्या होता है, इसको हम टेबल भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा, तीन का, चार का, पांच का, इस टाइप से। मैंने यहाँ एक रेंज लिख रखी है, आपको से हंसी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है ना। इसमें लिखा है एक से एक लाख तक, इसको आप एक करोड़ भी कर सकते हो, है ना। लेकिन उसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। जितनी बड़ी रेंज आप बढ़ाते जाओगे, उतना ही इसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो ये क्यों मैंने आज पढ़ाया, ये टॉपिक मैंने उठाया क्यों? अभी तक मैं कहता था आपसे कि एक से नौ तक की टेबल ही जरूरी है ना। तो फिर ये क्यों लिया, क्योंकि कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि सर हमको टेबल याद नहीं होती। हम याद तो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं होती। जैसे कि 17 का पहाड़ा उनको याद होने में बड़ी समस्या आ रही है, 19 के याद होने में आ रही है, बाकी और ये थोड़े टिपिकल होते हैं, मुझे भी टेबल नहीं आती, है ना। 17 की और 19 की बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी याद ही नहीं किया है, ना मुझे जरूरत पड़ी। तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई भी एक टेबल ले लीजिए, किसकी ले लें बताइए। 74 का ले लेते हैं पहाड़ा, है ना। तो इसमें क्या है, अब आपको शायद दो तीन तक तो आप कर लेंगे, 74 is to 2, 74 is to 2, 74 is to 2। कितना हो जाएगा, 140। देखो मैं दूसरे तक ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। इसको करते कैसे हैं, तो हम एक बेसिक टेबल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल, सबसे छोटा, लेट सपोज सबसे सरल होता है वो 5 का होता है। क्या है, 5 is to 1 5 होता है, और 5 is to 2 क्या होता है, 10, और 5 is to 3 होता है 15, 5 is to 4 होता है 20, और 5 is to 5 25, 5 is to 6 30, 5 is to 7 35, 5 is to 8 40, 5 is to 9 45, 5 is to 10 50। ये होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। क्या सिर्फ यही एक तरीका है इसको करने का? नहीं, इसका एक और तरीका होता है। क्या होता है, 5 में आप जोड़िए 0, 5, 5 प्लस 5, यानी कि मैंने कहा 5 is to 1, यानी कि एक बार गुणा करना है तो सिर्फ 1 5 जोड़िए, ठीक है। अब किस में जोड़ू, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। 2 5 जोड़िए तो 10 आएगा, 3 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। ऐसे ही 4 5 जोड़ेंगे तो 20, ऐसे ही ये आपका 10 बार 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये भी तरीका बिल्कुल सेम और सेम ही है। तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। कैसे, देखिए आप सिर्फ इंडिविजुअली 7 की टेबल लिखिए और 4 की टेबल लिखिए। जैसे कि 7 की टेबल आपको अगर याद नहीं है तो याद कर ले, 14, 7 is to 3 21, फिर 28, 35, 42, 49, फिर कितना आता है 56, और ये 7। ऐसे ही मैंने यहां किया 4 की टेबल, ये होती है। अब हमको क्या करना है, इनको कंबाइन करना है, यानी कि इकट्ठा लिखना है, इकट्ठा, है ना। थोड़ा वो गलत चला हो सकता है शब्दों में, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि सिर्फ लास्ट डिजिट की, लास्ट डिजिट की। तो इसमें भी आपको सिर्फ लास्ट डिजिट, इसमें तो एक ही डिजिट है, यानी खुद वही लास्ट डिजिट है, और ये भी है। 74 का गुणा 1 में करेंगे तो 74 ही आएगा। यहाँ पर ये तो लास्ट डिजिट ही है, यानी 8, और फिर ये 14 है, तो ये पूरा जोगा त्यौहार जाएगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट नहीं है, तो इस 1 को एज अ हासिल या एज अ कैरी इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ये 2 पहले आप लिखेंगे इधर, और ये 1 इस 21 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 222। ऐसे ही इसका 6 लिखेंगे, और ये 1
ऐसे करेंगे 296। सेम चीज यहाँ पर भी यूज होनी है, यहाँ का जीरो लिखेंगे लास्ट डिजिट और ऐसे ही ये टू इसमें जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 370। सेम चीज यहाँ भी होना है 4 और बाकी जो बचा है वो हासिल इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44 पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे कुछ है नहीं, है ना। सेम चीज यही प्रोसीजर आप फॉलो कर दें तो आपकी टेबल तैयार हो गई, है ना। तो अब क्वेश्चन करते समय आपको एक चीज का ध्यान ये देना है कि आपको ये टेबल नहीं लिखनी है, जैसे कि जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई एग्जाम देना है उनको, तो ये नहीं करना है कि आपको टेबल लिख रहे हैं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टेबल बनाने में आपको बहुत टाइम लगे, टेबल बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, मल्टीप्लाई करना। लेट सपोज, क्योंकि आपसे कोई भी एग्जाम में टेबल तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कि इतने मल्टीप्लाई बाई इतने कितना होगा, तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 937 मल्टीप्लाइड बाई 27, है ना। तो मैंने तो 1 लाख तक की टेबल आपको बनानी सिखा दी है, हालांकि मैंने तो 74 की, लेकिन आप भी कर सकते हो, तो हम एग्जाम्पल में टेबल देख लेंगे ना। तो टेबल का तरीका सबसे क्या है, इसका मतलब ये हुआ, या तो मैं 27 की टेबल इतनी बार पढ़ू जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे आपको तो मैंने 10 तक ही पढ़ाया है, या इतने की टेबल 27 बार पढ़ो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ 10 तक ही निकालते हैं, है ना। तो हम 11 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको टेबल हर बार नहीं बनानी है, सिंपल से चीज है, हमको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था, है ना, जिन्होंने ये डायरेक्ट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो भी देख लें तो उनको बेटर समझ में आता है ना। मैं उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें क्या करना है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, ज्यादातर लोग करेंगे 27 को मल्टीप्लाई इसमें, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, क्योंकि मैं उल्टा काम करता हूं ना, राइट गाइस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 में कितना आएगा, 47 होता है और 4 हाथ से लाएगी, यानी कि 7 × 2 = 14 और 4 189। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में तो कितना आ जाएगा, यार ये तो याद होता है जनरली लोगों को, 81। ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में तो कितना आएगा, 243। ये कैसे किया मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 9:3, 9:9 कितना होता है 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये फटाक से आ गया। अब इसको आप कंबाइन कर लीजिए, लास्ट डिजिट याद होगी आपको, अब तो आपको रट गया होगा कि लास्ट डिजिट कितना इम्पोर्टेंट है। अब बाकी जो 18 है वो एज ए कैरी इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, लास्ट का 9, और बाकी ये जो 9 बचा है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2, और एक हासिल 4 में 5 और ये 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो अब आपने क्या सीखा, टेबल सीख ली 1 लाख तक, 1 लाख नहीं है, कितनी भी बड़ी टेबल हो सकती है, और साथ में मल्टीप्लाई भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि टेबल का यूज कैसे करना है, हर बार टेबल लिखते नहीं बैठना है, है ना, उससे टाइम वेस्ट होता है और इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे कंपटीशन एग्जाम का हो। ओके गाइस, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें ये बताते रहे कि और कोई अगर आपको कंफ्यूजन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और भी वीडियो चाहिए ऐसे शॉर्ट टिप्स के साथ, तो हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू।